अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जो डेवऑप्स में जाना चाहते हैं, स्टार्ट कहाँ से करें? कोई अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है किसी भी फील्ड में, तो फ्रेशर्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, एक्सपीरियंस बनता है ठीक है उनके लिए चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास पहले प्रायर एक्सपीरियंस है, फ्रेशर्स के पास प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं। हर कंपनी फ्रेशर्स को लेना नहीं चाहती, बहुत सारी सर्विस कंपनी जो फ्रेशर्स को लेना चाहती हैं, बट वो एक पर्टिकुलर प्रोफाइल पर नहीं जाएंगे, वो एक मिक्स प्रोफाइल पर जाएंगे, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता वो किस प्रोफाइल के लिए बंदे को हायर कर रहे हैं। उन्हें ट्रेंड किया जाएगा एंड देन उसके बाद उनको टेक्नोलॉजी में असाइन किया जाएगा किस टेक में उन्हें जाना है। बट अगर किसी का पहले से ही माइंड सेट बन चुका कि मेरे को डेवऑप्स में जाना है, इसमें फ्यूचर बनाना है, फ्रेशर कैसे स्टार्ट करें? तो गौरव भाई इसका ना स्टार्टिंग कुछ इस तरह से है, हम मानिए कि डेवऑप्स में ना एक तो 3 साल से नीचे वाले बंदे को मान वो एक तरह से फ्रेशर ही है उनके लिए मान के चलो, क्योंकि मैंने बताया ना इसका स्कोप इतना ज्यादा है, टूल्स इतने ज्यादा है। अब कोई नया बंदा एकदम कॉलेज से निकला हुआ है, उसको सारे टूल्स ये सब आना, पूरा सिस्टम समझना नॉट ईजी। जब आप इंटरव्यू में जाओगे ना, तो आपसे सच बता रहा हूँ 3 साल के बाद जब इंटरव्यू आप देते हो ना, तो आपसे सबसे बेसिक सवाल पूछते हैं डेवऑप्स में। उनको एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कुछ आता भी होगा, क्योंकि उनको पता है कि एक नॉर्मल बंदे के लिए इतना सब करना इज नॉट ईजी। ठीक है, वो आपसे ये पूछेंगे गिट के कमिट्स के बारे में, पता चला कि गिट का कमिट रिवर्ट कैसे करें, है ना, या आपसे पूछेंगे गिट का मर्ज कैसे कराएं। ठीक है, अब वो तो 6 महीने वाला बंदा भी सीख जाता है जब एक बार कोडिंग करना चालू करता है वो। ठीक है, वो चीज 3 साल पे पूछेंगे आपसे। बट अगर आपको स्टार्ट करना है ना कि भाई मुझे सीखना ही भाई, तो आप एक साथ तो पूरा काम आपको मिलेगा नहीं, कोई भी आपको प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग ये ऐसे इतनी इजीली दे दे ऐसे नॉट इजी। तो बट सीखना आपको है, अगर आपको आएगा तो आगे चले काम भी आएगा आपके, है ना। तो आप स्टार्ट कहाँ से करें ना, देखो सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि इतने टूल्स होने के बाद सारे रिसोर्सेज स्कैटर्ड हैं। अब आप पहले लिस्ट बनाओगे कि मेरे को कौन कौन से टूल सीखने ये सब सीखने हैं, तो इसका ना एक सबसे शॉर्टकट तरीका देता हूँ, मतलब जो मैंने देखा है। आप जैसे सिंपली लर्न है या फिर दूसरे जो प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, एजुकेशन जो भी हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, अपने क्यूरिकुलम देते हैं कि डेवऑप्स इंजीनियर बनने का क्यूरिकुलम या ये है, और उसका ना ब्रोशर डाउनलोड करने का एक सिस्टम ये है कि अपना ईमेल आईडी वो दो, ब्रोशर डाउनलोड करो, उसमें सारा सिस्टमैटिक वे है कि वो क्या पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद पैसा ना देना आपकी मर्जी है, पैसा देके उनसे पढ़ना है तो ठीक, आपको एक रिसोर्स का लाइनअप मिल गया कि कैसे रिसोर्स पकड़ने हैं, कौन सा पहले पढ़ना है कौन सा बाद में पढ़ना है, और आप उसमें निकल पड़े। आप चाहे आप YouTube यूज करिए, चाहे आप Udemy यूज करिए, चाहे फिर आप कोई भी अपना इंटरनल किसी कंपनी का सिस्टम यूज करिए, वो आपकी मर्जी है। तो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। बाकी फिर वही बात है, अगर पेड सब्सक्रिप्शन लेने हैं तो बहुत लोग आजकल दे रहे हैं 15,000 से लेके 2-3 लाख रुपए तक के डेवऑप्स के कोर्स अवेलेबल हैं, कुछ भी ले लो, वरना 400 रुपए में Udemy पे भी अवेलेबल हैं। ओके, नहीं आपने एक बात बहुत सही कही, लाइक मुझे लगता है ना, सी ये पॉडकास्ट से या फिर किसी से कन्वर्सेशन से चीजें निकल के आती हैं कि जरूरी थोड़ा ना यार, देखो सी होता क्या है ना, हर किसी के माइंड में रहता है कि यार हमें पता नहीं है, चीजें एकदम से इधर उधर फैली हुई हैं। अब मुझे डेवऑप्स में जाना, मुझे पता कैसे चलेगा क्या चीजें मुझे करनी चाहिए तैयारी, क्या किस चीजों की तैयारी नहीं करनी चाहिए, राइट? जैसे आपने बताया कि तुम कोई कोर्स लेने जा रहे हो, वहां पर जाके डाउनलोड कर लो, वो सारी चीजें लिख के देते हैं कि हम तुम्हें क्या पढ़ाने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट, ये चीज यहाँ पे इस महीने ये चीजें कवर कराएंगे, इस महीने में ये टूल कराएंगे। सी यही चीज होती है एक स्मार्ट वर्क की, तुम ये स्मार्ट वर्क है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कोर्सेज परचेज नहीं करने, तुम्हें वहां पे जाना है, वहां पे जाके उनके प्लेटफॉर्म पे चेक करना है कि भाई डेवऑप्स में जाना है तो ये कोर्सेज होने वाला है, ये चीजें कराने वाले हैं, उससे ज्यादा तो कुछ वो कराएंगे नहीं, कोई हिडन चीज तो होने वाली नहीं है। सारा डाउनलोड करो, स्टार्ट कर दो अपने आप से, आप Udemy के कोर्सेज ले लो। अगर आपको पैसा बचाना है, आपको अगर आपके पास पैसा पहले से एक्स्ट्रा है, आपको लगता है कि भाई ठीक है मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता, मुझे कोर्स करने हैं, तो आप वैसे कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भाई बेस्ट चीज़ है आप वहाँ से कोर्स डाउनलोड करो, खुद से स्टार्ट करो, Udemy के कुछ कोर्सेज ले लो जो कि बहुत सस्ते मिल जाते हैं, जैसा आपने बताया था सिर्फ भाई कि 400 या 500 रुपये में मिल जाते हैं, तो बहुत ठीक है, आराम से मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने सही चीज़ बोली।